सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत ग्राम अमरपुर में एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर का लापरवाही पूर्वक दवाई करने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया तथा सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर तहसीलदार बहरी, अंचल अग्रहरी, थाना प्रभारी बहरी पवन सिंह अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। बता दें कि खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब बहरी थाना अंतर्गत ग्राम सिहौलिया निवासी राजपति साकेत, उम्र 45 वर्ष, जो कि शुक्रवार के दिन अपनी बेटी के परीक्षा कार्यक्रम में ग्राम अमरपुर आया हुआ था, कि अचानक शुक्रवार के दिन दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास उसके सीने में दर्द उठा तथा वह समीप ही एक सुनील मेडिकल में गया, जहां पर तथा कथित झोला छाप डॉक्टर के द्वारा गलत उपचार की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बहरी तहसीलदार, आंचल अग्रहरी एवं थाना प्रभारी बहरी पवन सिंह की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा सुनील मेडिकल को सील कर दिया गया है। बहरी पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना की गई। वहीं अंधेरा होने के कारण शव का पोस्टमार्टम शनिवार की सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी में कराया गया। वहीं तहसीलदार बहरी, आंचल अग्रहरी का कहना है कि हमें जैसे ही घटना के संबंध में जानकारी मिली, हम तुरंत दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही की गई। वहीं संबंधित मेडिकल संचालक डॉक्टर था या नहीं, यह जांच होने के उपरांत ही तथ्य सामने आएगा। आज जब हम लोग को सूचना मिली तो यहाँ पे एक राजपत साकेत, पिता सुमेरे साकेत, ये सिहौलिया के निवासी हैं। ये यहाँ पर आए थे कुछ वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर, इनके परिवार वाले भी यहाँ उपस्थित थे। परिजनों के द्वारा बताया गया कि इनके सीने में दर्द उठा अचानक से, तो पास में यहीं पे खड़े थे, तो ये जो मेडिकल क्लिनिक है यहाँ पे आ गए ये मेडिसिन लेने और कुछ उपचार के लिए, तो फिर उसी समय इनका आकस्मिक देहांत हो गया। ये जो क्लिनिक संचालित थी जी, क्या डॉक्टर रजिस्टर्ड थे? अब ये तो इनके पेपर्स देखने के बाद ही मैं बता सकती हूँ कि ये वैध थे या नहीं। फिलहाल हम लोगों ने क्लिनिक को सीज कर दिया है और इनकी सुपुर्दगी मेडिकल विभाग को दे दी गई है।